आज मैं आपको डियर कॉस्ट मैजिक पॉस बताने जा रही हूँ, जिसे बनाने में आपको किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में पड़े हुए पुराने चीज से बना सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ये कतरन चाहिए और ये इसके लिए ये 6x6 का दो पीस कपड़ा लेना है। जो घर में पड़े रहते हैं कपड़े उसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है। और एक चेन, ये चेन 24 इंच का चेन है जिसे मैं अपने पर्स से निकाली हूँ, पुराने पर्स से। और ये वाइप का, वाइप में जो यूज़ करने के बाद हम जनरली फेंक देते हैं, उसे यूज़ किया गया है। और टोटली वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है एक सीजर और एक ये हमें एक 24 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। 24 इंच कपड़े को ये जो दो पीस कपड़ा है उसमें से एक में चारों तरफ से अटैच कर देना है। इसका राइट साइड अंदर की तरफ रहेगा और रॉन्ग साइड, दोनों का राइट साइड अंदर रहेगा और रॉन्ग साइड ऊपर रहेगा। इस तरह से इसे चारों तरफ से सिलाई चला देनी है। आप चाहे तो मशीन से सिलाई चला सकती हैं या हाथ से भी चला सकती हैं। मैं यहाँ पे मशीन यूज़ की हूँ। और चारों तरफ से सिलाई चलाने के बाद अगर आप 24 इंच से लंबा कपड़ा लिए हैं तो एक्स्ट्रा बचेगा, उसे कट कर देना है। ये देखिए चारों तरफ से मशीन चलाने के बाद ये इस तरीके से बन गया। अब हमें इसे कॉर्नर पे ज्वाइंट कर देना है। ये दोनों कॉर्नर एक साथ इसे इस तरीके से ज्वाइंट कर देना। इस तरह से ये तैयार होने के बाद अब हमें कपड़े का दूसरा पीस लेना है और इसे दो तरफ से ज्वाइंट करना है। और इसका राइट साइड ऊपर की तरफ रहेगा और रॉन्ग साइड अंदर की तरफ रहेगा, क्योंकि दूसरे कपड़े का रॉन्ग साइड सब अंदर की तरफ है। इसका भी रॉन्ग साइड अंदर की तरफ रहेगा और राइट साइड बाहर रहेगा। इस तरह से दो साइड से ज्वाइंट करना है। ये दोनों साइड ज्वाइंट होने के बाद अब हमें ये खुले साइड में चेन लगाना है। ये चेन को हम इस तरीके से दोनों साइड से ज्वाइंट कर देंगे। एक बार इस साइड कपड़े के ऊपर साइड में, फिर ये दूसरे साइड से। ये चेन को लगाने के बाद ये इस तरीके से आ गया हमारा। ये देखिए ये बन गया। अब जो एक्स्ट्रा चेन उधर बचा हुआ है उसे हम कट कर देंगे। फिर इसका कॉर्नर भी हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब ये जो वाइप में से, वाइप्स वगैरह में जो मिलते हैं उसे निकाल के मैं रखी हुई हूँ, उसे लेना है और इसके बीच में निशान लगा के उसे कट कर लेना है। अब ये कटे हुए स्पेस में हमें ये जो वाइप का है उसे फेविक ग्लू की सहायता से इसे अटैच कर देना है, चिपका देना है, या फिर इसे नीडल की सहायता से हम इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब आप इसके इसमें आराम से मास्क, हैंकी, पॉलिथीन बैग किचन में रख सकती हैं। और इसे निकालना बिल्कुल ही आसान है। ये देखिए इसे ऊपर से ओपन करें और इसे फटाफट निकालें, यूज़ करें। चेन खोल के रखें और इसे ऊपर से खोल के निकालें। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट बन के तैयार हुआ है। इसमें किसी भी चीज़ को कहीं से भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। घर में पड़े हुए सारी चीज़ों का ही इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये किचन में रख के पॉलिथीन रख के फिर इसे डस्टबिन में डाल सकते हैं।